हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके हब। तो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ एक स्वेट शर्ट का रिव्यू जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस स्वेट शर्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये स्वेट शर्ट पसंद आता है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए पहले मैं इस स्वेट शर्ट का एक क्विक लुक आपको दिखा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा इसकी साइज। तो दोस्तों, ये जो स्वेट शर्ट है ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, और यहाँ पे जो ब्रांड है वो फोर्ट कॉलिंस ब्रांड है। तो काफ़ी, मतलब इस ब्रांड के आपने देखे होंगे फ्लिपकार्ट पे क्लोथ्स मिलते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने जो साइज परचेस किया है वो दोस्तों एक्सल परचेस किया है। एंड दोस्तों, जो इस स्वेट शर्ट का कलर है वो इन लोगों ने ग्रेनाइट ग्रीन कहा है, तो ये एक तरीके से पिस्ता जो कलर होता है, ग्रीन पिस्ता कलर। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो कलर है इसे हम पिस्ता कलर ही कहेंगे, ग्रीन नहीं कह सकते, और इसे हम आर्मी ग्रीन या ऑलिव ग्रीन कलर भी नहीं कह सकते, ये थोड़ा लाइट ग्रीन है, तो इसे पिस्ता ग्रीन कलर कहना ज़्यादा सही रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पे फ्रंट में आपको एक वर्ड लिखा मिल जाता है, एक्सपेरिमेंट, जो कि यहाँ पे आई थिंक जबर पेंट का यूज़ किया है इन लोगों ने, तो काफ़ी, मतलब अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लुक दे रहा है। और यहाँ पे जो क्लोथ मटेरियल है दोस्तों, वो फ्लीस क्लोथ मटेरियल है। फ्लीस जो होता है दोस्तों, वो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होता है, एकदम गर्म होता है, ठंडों में काफ़ी गर्म करता है, तो मतलब काफ़ी अच्छा फैब्रिक रहता है ठंडों के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे जो इसकी, यहाँ पे इस तरीके से आपको, तो दोस्तों यहाँ पे हैंड पे आपको रिस्ट पे ग्रिप मिल जाती है, ताकि जब आप ठंडों में पहने तो एयर जो है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर पास ना हो, मतलब अंदर ना घुसे। और इसी तरीके से आपको नीचे भी इलास्टिक मिल जाती है, ताकि ये आपको नीचे से भी ग्रिप प्रोवाइड कर सके। एंड दोस्तों, आपको इसमें दोनों तरफ पॉकेट्स मिल जाती हैं, तो विंटर्स में काफ़ी पॉकेट्स होना काफ़ी सही रहता है स्वेट शर्ट में, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर पॉकेट्स होती हैं तो। पॉकेट्स नहीं होती है तो कहीं ना कहीं लगता है यार हाथ कहाँ रखें, तो ठंडों में ये प्रॉब्लम रहती है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक प्रिंट मिल जाता है जहाँ पे कुछ लिखा है, ऐसे ही इसे अच्छा लुक देने के लिए इन लोगों ने ये दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड दोस्तों, अगर इसकी स्ट्रेचेबिलिटी की बात करें तो 100% स्ट्रेचेबल तो नहीं कह सकते, हाँ हल्का फुल्का स्ट्रेचेबल है। तो अगर जैसे आप एकदम फिटिंग का पहनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा टाइट लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा लूज पहनते हैं, एक साइज बड़ा पहनते हैं, तो आपको ये एकदम सही आने वाला है। तो दोस्तों, ये इसे जो मैंने परचेस किया है वो अप्रोक्स 650 रुपये में परचेस किया है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे इसके जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा कि किस रेट में आपको मिल रहा है। एंड चलिए दोस्तों, मैं कर देता हूँ इसका टाई ऑन, और ताकि आपको इसका लुक प्रॉपर पता चल जाएगी कैसा है, और करते हैं इसका टाई ऑन।